रियलिटी में आज हमें एक ऐसे बब्बर शेर को उसके उसने किस तरीके से अपना इस बिजनेस में यहाँ तक लेवल अचीव किया है, कैसे, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आज की ट्रेनिंग मीटिंग से मिलेंगे। मैं आपको इस बात का कमिटमेंट कर रहा हूँ, आज जितने लोग इस मीटिंग में हैं, अभी तक आप लोगों ने जितने भी सेशंस रेगुलर अटेंड किए, आज आपकी आत्मा, दिल, गुर्दा, जो कुछ अंदर नस नाड़ी होती होंगी, सब हिलने वाली है। आज रियलिटी में, मतलब टाइगर साहब बब्बर शेर जब से मेरे नेटवर्क में आए, या ये कह सकते हो कि गुरुदेव ने मुझे परमिशन दी कि अभी टाइगर को निकाल के लाना है, नो डाउट, सच में मतलब ग्रेट लीडरशिप है बब्बर शेर के अंदर। और टोटल जो एटीट्यूड है, अगर बात की जाए सर से पांव तक, वो बिल्कुल बब्बर शेर वाला ही एटीट्यूड है टाइगर का। कितनी परेशानी नहीं आई, छोटी सी उम्र में कितनी चीजें नहीं देखी, और वो सब कुछ एकदम बाउंस बैक किया, और आज दमदारी के साथ अपनी टीम को लीड करके चल रहे हैं और एग्जाम्पल है। और आने वाले समय में जैसे जसवीर सर को लोग दिलों की धड़कन मानते हैं, ऐसे ही टाइगर साहब लोगों के दिलों पे धड़कन बनने वाले हैं, राज करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इनके लिए खाली पड़ी है, और ये इनकी मुस्कान, इनके काम करने की स्टाइल निराली है, और जितने शब्द बोलूं उतने ही कम है इनके लिए, शब्द ही कम पड़ जाते हैं, मेरे पास है भी नहीं। मैं तो ये सोच रहा था जब गुरुदेव ने बोली, मैं टाइगर को कैसे बोलूं, क्या कॉल करूं टाइगर के लिए, ऐसे कौन सा शब्द लाऊं ढूंढ के। गजब की परवरिश गुरुदेव ने और सिस्टम ने की है इनकी, और सच में ही मैं लकी हूं कि सिस्टम की वजह से ऐसा बब्बर शेर मुझे मिला। मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ अपने अपलाइन का और सिस्टम का और कंपनी का। और ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए आपके और उनके बीच में मैं चाहूंगा जल्दी वो स्क्रीन पे आए और अपनी जो जुबानी है, जो अपनी उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, उसको हम तक पहुंचाएं। और बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में इन्हीं कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, वो सारी चीजों से किस तरीके से टाइगर साहब ने पार पाई, और क्या ऐसा रहा कि आज इस बिजनेस में बहुत जल्दी रूबी लेवल अचीव करने वाले हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट वुड बी रूबी लीडर, वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट लीडर, श्री मिस्टर जगवीर सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां श्री जगवीर जी के लिए, जोरदार तालियां, सभी अनम्यूट करें। और बब्बर शेर को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। चलिए गुरुदेव, सबसे पहले आपको थैंक यू गुरुदेव कि मुझे मौका दिया बोलने का, और स्टार्ट किया जाए गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल टाइगर साहब। चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है, वेलकम टू ऑल लीजेंड्स। और आज मुझे मौका मिला कि नाइट सेशन में कंटिन्यू बहुत सारे लीडर्स को सुनने के बाद में मुझे मौका मिला आज कि आप लोगों के सामने मैं कुछ दो शब्द रख सकूं, या अपनी कहानी अपनी जुबानी में बता सकूं। नेक्स्ट गुरुदेव, सबसे पहले वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मानव इंसान रूपी जन्म दिया और मुझे इस संसार में भेजा। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, अपनी पूरी फैमिली को कि उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की और मुझे अच्छे संस्कार दिए कि मैं इस दुनिया में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस सेफसॉफ्ट कंपनी को कि जिसने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं, या मुझे मौका दिया जीवन में कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के सामने या लोगों के साथ में मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा ट्रिपल एस सिस्टम को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, कि जिसके बैनर तले बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें एजुकेट होकर के बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में तो परिवर्तन किया ही, लेकिन साथ में ना जाने कितने हजारों सैकड़ों लोगों के जीवन में भी परिवर्तन किया। ये सब कुछ मुझे मिला, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन सबसे बड़ा धन्यवाद
मेरे ग्रेट मेंटर्स का, मेरी अप्लायंस का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया। चाहे मैं बात करूँ अपने ग्रेट मेंटर महागुरु जी मलिक सर की, चाहे मैं बात करूँ महागुरु जी राणा सर की, चाहे मैं बात करूँ महागुरु जी ओमी सर की, और चाहे मैं बात करूँ पॉलिटी सर की, और चाहे बात करूँ मैं हमारे बेताज बादशाह नितिन महागुरु जी की, इन सभी लोगों का मेरे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रेडिट रहा। और इन्हीं के माध्यम से मुझे बहुत कुछ इस बिजनेस में आगे तक चलने का मौका मिला। इन लोगों को देख करके कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होता रहा, एक्साइटेड होता रहा इन लोगों की लाइफ देख करके। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मेरी प्यारी सी टीम आरसीटी टाइगर टीम कि जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिनके बलबूते पे मतलब मैं अपनी बाजुएं बिल्कुल एकदम मजबूत करके बोल सकता हूँ कि मेरे पिलर्स मेरे साथ में हैं। ये मेरे वो बब्बर शेर हैं जिनके साथ में रह करके मैं यहाँ तक पहुँचा, इस लेवल को मैंने प्राप्त किया, इनकी बदौलत ही। मैं इन सभी टाइगर्स को, जाबाज सिपाहियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने रात दिन एक करके मुझे अपना समझ करके मेरे साथ में काम किया। तो दोस्तों ये सभी लोग कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा, मेरी लाइफ कैसी थी, क्या था मेरे जीवन में। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिफोर सेफ शॉप, सेफ शॉप से पहले मेरी लाइफ क्या थी, कैसा मेरा जीवन चल रहा था, और उसके बाद में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सिंपल लाइफ थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मतलब एक साधारण सा परिवार, साधारण सी जिंदगी बस व्यतीत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मैंने इंटर किया, इंटर के बाद में मैं बीएससी कर रहा था कंप्यूटर साइंस से, और बीएससी के साथ साथ में ही मैं एक स्कूल में टीचिंग भी करने लग गया था। तो मैंने जब काम करना शुरू किया, बहुत सिंपल जिंदगी थी, ऐसा भी नहीं कि बैकग्राउंड भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। मम्मी पापा खेती करते थे और बस ऐसी लाइफ चल रही थी, आप देख पा रहे हैं। स्ट्रगल था मेरी जिंदगी में और वो रियलिटी के साथ में था। बहुत फेसेस देखे मैंने इस जीवन में, जब आया तो मतलब इतना बहुत बड़ा मेरे पास में कोई अचीवमेंट नहीं था हमारे परिवार में। मतलब ये कह सकते कि एक मोटरसाइकिल तक भी नहीं थी, लेकिन जरूरतें थी बहुत ज्यादा। और उसके साथ साथ में जब मैंने उसको स्टार्ट किया, अपनी टीचिंग लाइन को स्टार्ट किया, खेती करता था। जब मैं 12th जब मैंने पास किया था, तभी जीवन में एक ऐसा मोड आया, पिताजी की डेथ हो गई, दो भाई हैं, दोनों भाइयों के ऊपर कंधे पे वजन आ गया, ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी आई। और फिर दिमाग में आया कि यार घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक छोटी सी जिंदगी में जहाँ कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था कि यार क्या करना पड़ेगा लाइफ में, कभी नौकरी की कभी सोची नहीं थी कि कहाँ जाके कमाना पड़ेगा, कमाने का कोई आइडिया नहीं था। तो जहाँ विद्यालय में मैं पढ़ाई करता था, वही उसी विद्यालय में मुझे टीचिंग करने का मौका मिला। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि कहाँ जिंदगी में भटकेगा, तू यही टीचिंग करना स्टार्ट कर, अपनी पढ़ाई कर, और जीवन में तुझे अब आगे तेरे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, तुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है जिंदगी में। तो दोस्तों खेती बाड़ी के साथ साथ में मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट किया। कंटिन्यू मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी कि बस सुबह जागना, भाग करके स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाना, उसके बाद में घर आना, घर पर ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद में खुद पढ़ाई करना, और ऐसे ही फिर सो करके फिर वही बस जिंदगी चलती चली जा रही थी। मतलब बहुत स्ट्रगल था। और मैं सर्च कर रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आए या बहुत बड़ा कोई मौका मुझे मिले मेरी लाइफ में कुछ करने का, मैं विचार ही कर रहा था। और टीचिंग के दरमियान में ही मेरे पास में जीवन बदल देने वाला, मेरे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई सेफ शॉप के रूप में। और इस सेफ शॉप के रूप में जो अपॉर्चुनिटी आई, मैं धन्यवाद थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उस शख्सियत को जिसने मेरे घर में सेफ शॉप को लेकर के कदम रखा और मुझे ये एहसास कराया कि अगर सफल होना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सफल होना है तो आप नेटवर्क बनाइए। और मेरे पास में नेटवर्क बनाने का सबसे आसान जो तरीका मुझे नजर आया, जब सेफ शॉप का प्लान मैंने देखा, सेफ शॉप को ज्वाइन किया, सेफ शॉप के साथ में मैंने वो सपने सजोना स्टार्ट किया जो मुझे वहां दिखाए गए। तो दोस्तों जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और मैंने इस बिजनेस को 3 आईडी के साथ में ज्वाइन किया,
सबसे बड़ी बात, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा बेनिफिट दिखाया गया 3ID का, और ये मुझे मौका मिला मेरे मेंटर के माध्यम से ही। सर ने बोला कि अगर आप इस बिजनेस को 1ID से ज्वाइन करोगे तो सिर्फ 1 गुना कमाओगे, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को 3ID से ज्वाइन करेंगे तो लाइफ में हमेशा 3 गुना ज्यादा कमाओगे। तो मैंने इस बिजनेस को 3ID से स्टार्ट किया, नाउ स्टार्ट माई जर्नी मेक ए डायमंड लीडर, और वहां से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। और जो सपना दिखाया जाता है कि बताया जाता है कि डायमंड बनने के लिए, मैंने वहां से एक डायमंड लाइफ जीने के लिए मैंने अपने आप की शुरुआत की। और मेरी फर्स्ट दिशा ट्रेनिंग जो आप फोटो देख पा रहे हैं, मुझे बहुत जल्द मौका मिला ज्वाइन होने के कुछ ही समय बाद। नया था, कुछ आइडिया नहीं था मुझे इस बिजनेस का, ABCD भी नहीं आती थी मुझे, बस एक प्रोग्राम के माध्यम से मुझे मौका मिला था और वहां मैं मोटिवेट हो गया था। और बस एक ही ड्रीम था कि यार यही अपॉर्चुनिटी है मेरे जीवन में, मुझे जो बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस इस वजह से नहीं की क्योंकि मैंने स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो वहां मैंने अपने टीचर्स के माध्यम से ही सुना था कि भगवान जिंदगी में हर इंसान को मौका देता है बहुत बड़ा काम करने के लिए। और एक कहावत बोली जाती है कि हर इंसान को जीवन में 3 मौके जरूर मिलते हैं, पता नहीं कौन सा मौका पहला है और कौन सा आखिरी है, लेकिन हर मौके को अगर आखिरी समझ करके काम किया जाए तो जीवन में कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे, कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा कि मुझे जीवन में कुछ मिला नहीं। और मुझे दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला और वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ, दिशा ट्रेनिंग से, और वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ कि मैं इस बिजनेस में क्या कर सकता हूं और मैं कहां अपने जीवन को लेके जा सकता हूं। और दोस्तों मैंने वहां से अपना विजन क्लियर किया और आगे इस काम को कंटिन्यू किया। नेक्स्ट, और मेरी फिर स्टार्ट हुई, मेरी शुरुआत हुई फ्रेशर से लेकर के, और मैंने इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया और आज मैं इस बिजनेस में एक एमरल्ड लेवल तक पहुंचा। बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे, ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं, मैं गोल्ड भी बना इस बिजनेस में, मैं टोपाज भी बना, और अभी लेटेस्ट ही कुछ समय पहले इस बिजनेस में मैं एमरल्ड भी बना, और बहुत जल्द इसी बिजनेस में मैं रूबी भी कंप्लीट कर लूंगा अपना। तो ये एक ओपनिंग हुई जहां लोगों को लगता था या मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, कैसे मेरा नेटवर्क बनेगा, लेकिन अपलाइन का साथ रहा। तो उस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया और उस जर्नी को स्टार्ट करके मैंने कंटिन्यू करता चला गया और आज इस बिजनेस में मैं एमरल्ड लेवल अचीव कर चुका। नेक्स्ट, तो ये जो जर्नी है ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि मेरे पास में कोई बहुत बड़ी पावर है। और जो आप देख पा रहे हैं यहां मैंने ये पोस्टर भी लगाया हुआ है कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है लेकिन हौसले का नहीं। मेरे पास में ताकत नहीं थी लेकिन मेरे पास में बहुत बड़ा हौसला था, मेरे पास में बहुत बड़ी उम्मीद थी, मेरे पास में बहुत बड़ा भरोसा था कुछ करने का, और उसी जज्बे की वजह से और उसी हौसले की वजह से आज मुझे मौका मिला और मैं यहां तक पहुंचा। दूसरा, एक और पोस्टर लगाया हुआ मैंने साइड में और उसमें दिया गया है चुनौतियों का सामना हर कोई नहीं कर पाता, ज्यादातर तो मुसीबत देखते ही कदम पीछे खींच लेते हैं, जबकि सच यह है कि चुनौतियां ही हम पर बेहतर बनने का दबाव डालती हैं, हमें सक्षम बनाती हैं। यही वजह है कि हर घर हो या ऑफिस हो या बिजनेस हो, कोई भी हो, यानी कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखने वालों को ही पूछ होती है। कहा भी गया है कि ढलानों पर दौड़कर अभ्यास करने वाले ओलंपिक नहीं जीता करते। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मोड़ लेकर के आई और मैंने अपने हौसले को बुलंद रखा और मैंने चुनौतियों को साइड करके काम करना शुरू किया और उन्हीं चुनौतियों को समझ करके सीख करके अपने जीवन में डाल करके काम किया और उनसे प्रेरणा लेता रहा और इस बिजनेस में लगातार मैं काम करता रहा। नेक्स्ट, ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का वो स्ट्रगल पॉइंट था कि जहां चुनौतियों पे चुनौतियां चलती चली जा रही थी और उस पे काम करता रहा, लेकिन ये जीवन में परिवर्तन आया कैसे, ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है हाउ टू चेंज इन माई लाइफ कि मेरे जीवन में परिवर्तन ये आया कैसे, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को, इस काम को दिल से किया, मैंने दिल से काम किया, नो एक्सक्यूज, ओनली 24/7 आवर्स पेटी टाइट,
ये मैंने फोटो लगाया हुआ है। एक समय की बात है कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और मैं शायद सिल्वर ही मैंने क्रॉस किया था, और मैंने कभी भी कहीं बाहर जाकर के कभी काम नहीं किया था। मैंने लोकल में ही अपने कोसी से ही जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और मैं वहीं पे लोकल में रह करके काम कर रहा था। और एक टाइगर के साथ में मुझे मौका मिला मैं आगरा जाने का, और ये टूंडला का जंक्शन का ये फोटो है रेलवे स्टेशन पे। नाइट में मैं वहां पहुंचा था, एक बंदे ने बुलाया वहां, और उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं सोचता था, गुरुजी बोलते थे कि यार बाहर जाकर नेटवर्क निकाल, काम कर। मैं एक सिटी की तलाश में था, बाहर जाकर के वहां टूंडला में गया, और ये मेरा स्टेशन का फोटो है नाइट का। और उस जिस बंदे ने बुलाया उससे जब तक तो बात होती रही, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और उस बंदे का फोन स्विच ऑफ हो गया, और मैं वहां नाइट को मैंने पूरी रात वहां बैठ करके मैंने वहां स्टेशन पे गुजारी। और मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था कि यार पता नहीं भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, लेकिन मेरे पास में एक्सक्यूज नहीं थे कि इस बिजनेस को मैं यही करूं कि यार ये हो रहा है ये हो रहा है। मैंने कभी घर से निकल करके बाहर नहीं देखा था, लेकिन आज मुझे यार ये नौबत आ रही कि मुझे ऐसे ऐसे जिंदगी काटनी पड़ रही है। हमेशा मैंने पेटी टाइट रख करके काम किया, क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस को अपना समझा, किसी और का नहीं। जिस तरीके से हम बाकी के कामों को अपना समझ करके करते हैं, वहां खुद की जिम्मेदारी होती है, और मैंने इस बिजनेस को अपना समझ करके ही काम किया। इसी वजह से मुझे कोई समस्या नहीं हुई, मुझे लगा ही नहीं कि यार मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं। और मैंने वो नाइट वहां गुजारी, और मैंने वहीं से डिसीजन लिया कि नहीं यार एक दिन तो करना है। गुरुजी कहा करते हैं कि जहां जहां आप जाओगे आज नहीं तो कल वहां वहां आपका नेटवर्क जरूर बनेगा। और मैंने इस बिजनेस को अपना काम समझ करके मैं इसमें करता रहा। मैंने हमेशा इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और जहां भी मुझे मौका मिला हमेशा पेटी टाइट करके मैंने काम किया। कभी भी मैं अदर जगहों पे नहीं गया, वहां भी मैंने जाकर के काम किया। ये जो देख पा रहे बैग टाक करके 24 घंटे मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेफ शॉप। और इस बात को मेरे गुरुजी और मेरे घर वाले भी बोल देते हैं कि तेरे लिए तो बाकी का चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुझे तो काम ही नजर आता है, हमेशा तू सेफ शॉप में लगा रहता है। और आज भी मुझे बहुत सारी चीजें आज भी याद है, जो मतलब अंदर से बहुत उस समय पे फील होता था कि यार पता नहीं क्या होगा, मतलब मैं काम कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया, और मैंने इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दिया तो उसका नतीजा आज मैं आऊं। एक बार मैं दिशा ट्रेनिंग में गया था, उस समय मैडम प्रेग्नेंट थी, और मैं जिस दिन गया था आज भी मुझे याद है, मैं 17 तारीख को हम लोग यहां से गए थे और शिमला गए थे हम लोग जब ट्रेनिंग में। 18 तारीख को मॉर्निंग में मैडम की डिलीवरी हुई थी, बच्ची ने जन्म लिया था। बहुत सारे लोगों के पास में बहाने आ जाते, मैं जब लोगों को किसी मीटिंग में फंक्शन में किसी प्रोग्राम में ले जाने के लिए बात करता था कि टाइगर चलिए, तो बहुत सारे लोग बहाने गिना देते थे। आज भी मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने बोला था, और आज कुछ लोग तो ऐसे थे उनके साथ में कंडीशन थी, उनके घर में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने बोला कि सर आप बताइए आप यहाँ रह करके क्या कर पाओगे, जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन बोलते थे लोग कि अरे भाई तू ये बोल सकता है, लेकिन जिससे गुजरती है ना उसी को पता होता है। तो मेरे सामने कोई समस्या आती थी तो मैं यही बोलता था कि यार मैं लीडर हूं, अगर मैं ये बहाने बनाऊंगा तो कल को मैं किसको एग्जाम्पल दूंगा, किससे बोलूंगा कि यार तुझे ये एग्जाम्पल फिट करना है। तो मेरे दिमाग में कभी भी बहाने नहीं आते थे, और जब ये प्रैक्टिकल मेरे पास में जब एग्जाम्पल आया, आज भी मुझे याद है, मतलब घर वालों ने बहुत बोला था कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। तो मैं एक ही बात बोल देता था, क्योंकि छोटा भाई वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो नेवी में है, तो मैं बोल देता था कि अगर मैं भी कहीं आर्मी में होता और मैं ऑन ड्यूटी पे होता और मैं घर नहीं होता तो उस समय कौन देखता, कौन जिम्मेदारी लेता। और मैं एक ही बात बोलता था कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैं चाहे यहां 1000 आदमी बिठा लो उसकी डिक्शनरी में जो नोट कर दिया उसने वो फाइनल है, चाहे मैं यहां रहूं या ना रहूं तब भी वो जो होना है वो फाइनल होके रहेगा। और मैं ऐसे मुट्ठी बांध करके और मैं काम करने लग गया, और मैं उस दिशा ट्रेनिंग में गया, और कुछ नहीं होता बाद में यार, सब ऊपर वाला जब किसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं तो आपसे भी ज्यादा जिम्मेदारी ऊपर वाला निभाता है, और वो अपना समझ करके आगे चीजों को करता है। तो ये सब कुछ देखा, उस पर एक्शन भी किया और उस पर लगे रहे।
तो कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने बिजनेस को दिया और उसी का नतीजा है कि यहाँ ये सारा कुछ मुझे मिला। मैंने हमेशा सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटियां हैं मैंने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और खुद की जिम्मेदारी समझा, उसको खुद की जिम्मेदारी समझा। जब स्टार्टिंग में मेरे यहाँ पे संडे वेन्यू जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला डिसीजन मैंने लिया कि क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, खुद जाकर के मैं बैग लेकर के प्रोजेक्टर लेकर के खुद जाकर के मैं वेन्यू में जाया करता था। यही समझता था कि सबसे पहले मुझे पहुंचना है, सबसे पहले मुझे सारा काम करना है, जो भी कुछ करना है पहले मुझे करना है क्योंकि ये काम मेरा है, खुद का मेरा काम है। संडे फ्राइडे ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग हो, जो काम सिस्टम के थे जो मेरी अपॉइंट करती थी वो काम मैंने खुद से सीखना शुरू किया, कोचिंग करना भी स्टार्ट किया, मीटिंग में जाता था खुद में मीटिंग और वहां खुद ही चेयर लगाता था, सब काम खुद खुद करता था और जिम्मेदारी लेता था कि यार ये काम मेरा है मुझे करना है। और उसी जिम्मेदारी की वजह से और ये अपलाइन भी जिम्मेदारी भी उसी आदमी को देता है जो जिम्मेदारी लेने वाला होता है। मिला लोगों को धुआंधार तरीके फंक्शंस हुए, फंक्शन से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता था। एक पेट्रोल का काम करते थे फंक्शंस, तो जब भी मौका मिलता था कभी भी किसी भी फंक्शन को मिस नहीं किया, हर फंक्शन में गया और अपनी टीम को भी लेकर के गया। डायमंड शिप देखी, कोई भी ऐसी डायमंड शिप नहीं थी जहां डायमंड शिप में मुझे जाने का मौका मिला और एक भी डायमंड शिप मैंने मिस करी हो। जब भी मेरी अपलाइन ने मुझे मौका दिया डायमंड शिप में जाने का, कभी भी मैंने बहाने नहीं गिराए, हर एक्टिविटी में मैंने अपने आप को सम्मिलित किया और साथ में अपनी टीम को लेकर के भी मैंने वहां पे मौका मिला टीम को ले जाने का। उसके बाद में दिशा ट्रेनिंग, क्योंकि जहां से मैंने डिसीजन लिया कुछ करने का, कुछ बनने का, मैंने सोच लिया कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको अपनी दशा बदलनी है तो दिशा ट्रेनिंग जरूर आपको अटेंड करनी चाहिए। और वहां मैंने जाकर के प्रैक्टिकली देखा दिशा ट्रेनिंग में, दिशा ट्रेनिंग जब मैंने अटेंड किया तो मुझे पता चला कि डायमंड लाइफ क्या होती है, दिशा ट्रेनिंग में पता चला कि रईस वाली जिंदगी क्या होती है। कभी भी होटल्स में जाने का मौका नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम दिशा ट्रेनिंग से मुझे मौका मिला अच्छे अच्छे होटल्स में जाने का और मुझे पता चला कि डायमंड लाइफ क्या होती है, वहां आप डायमंड बनने के बाद में जिंदगी कैसे जिएंगे वो दिशा ट्रेनिंग में जाकर के मौका मिलता है। और दिशा ट्रेनिंग से यह पता चलता है कि आदमी के पास में पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता, आदमी के पास में पैसा है वो सब कुछ नहीं होता, दिशा ट्रेनिंग से जाकर के पता चलता है कि पैसे के साथ में जो आपके पास में अचीवमेंट होना चाहिए वो इंसानियत का होना चाहिए, वो मानवता का होना चाहिए और सिर्फ दिशा ट्रेनिंग से ही मिलता है। और उसके बाद में काउंसलिंग सेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि जैसे हमें होमवर्क मिल रहा हो और टीचर को चेक कराना हो, हमें नहीं पता, क्योंकि ट्रेनिंग में भी महागुरु जी लोगों ने बताया था कि एबीसीडी आपने लिख तो दिया लेकिन किसी को चेक ही नहीं कराओगे तो क्या पता आपने एबीसीडी को सही लिखा या नहीं लिखा। 26 अक्षर लिखने से एबीसीडी सही नहीं होती, उन 26 अक्षरों को क्रम वाइज लिखने से एबीसीडी का रूल्स निकल के आता है। तो वो काउंसलिंग सेशन से पता चलता है, काउंसलिंग से पता चलता है कि कहां कितने पानी में आप लोग हैं। तो मुझे मौका मिला मेरी काउंसलिंग का और उसमें मुझे पता चला कि कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं, कहां मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फेज था बहुत स्ट्रगल किया, बहुत काम करता था लेकिन रिजल्ट नहीं आते थे। जब काउंसलिंग हुई तो मुझे लीटर की तरह नाप करके देखा गया और मुझे बताया गया कि कितना पानी है और कितना आपके पास में ठोस है। तो उसके बाद में काम किया, काउंसलिंग की, लोगों की भी काउंसलिंग कराना शुरू किया। अगर किसी भी लीडर को कहीं ना कहीं कोई भी नेगेटिविटी है तो उसकी अपने ग्रेट मेंटर, अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैंने इस पे बखूबी काम किया और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में उसी काउंसलिंग से परिवर्तन आया। तो ये सारी एक्टिविटियां मैंने फॉलो की और सबसे बड़ी बात इसमें जो देख पा रहे लिखा भी हुआ है, रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। ये रियलिटी है कि रफ्तार इस वजह से दुगनी होती है क्योंकि जिंदगी का सवाल था। इस बिजनेस को दिशा ट्रेनिंग डायमंड शिप के बाद में फुल टाइम कूद गया था, मैं फुल टाइम आ गया इस बिजनेस में और ये सोचा ही नहीं
कि यार क्या होगा, जिस नौकरी से, जिस टीचिंग लाइन से मेरे घर का खर्चा चला करता था या मेरे पॉकेट में पैसा आता था, उसी टीचिंग लाइन को छोड़ करके मैंने एक मिनट ये भी नहीं सोचा था कि यार आगे क्या होगा। बस एक ही चीज थी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेप्स ऑफ डायमंड सेप नजर आ रही थी। लोग ज्वाइन हुए थे टीम में, बहुत सारे लोग हैं जो समझ में नहीं आता, पता नहीं 4-6 लोग ज्वाइन हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मेरे साथ में मेरी टीम आई, मुझे लगा कि यार मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुझे लगा कि यार लोग मेरे भरोसे बिजनेस में आए हैं और मैं टीचिंग लाइन में हूं, मैं समय नहीं दूंगा अपनी टीम को तो ये क्या कहेंगे। और मैं इनको साला छाती ठोक के लेके आया था कि मैं बैठा हुआ हूं, आप ज्वाइन करो इस बिजनेस में, मैं आपको डायमंड बना के दिखाऊंगा, और मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। मैंने डिसीजन लिया और जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया वो बंदा स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि बहुत बड़ा कुछ करना, मैं साला स्कूल छोड़ करके फुल टाइम आ गया और मैंने फोन कर दिया कि सर कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगा। बहुत बड़ा डिसीजन था, जिंदगी दांव पे लगी थी, इस वजह से रफ्तार को दुगना करके काम करना पड़ा। और यहां लिखा भी हुआ है, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। ये डिसीजन लिया था अपने आप से, बहुत मुसीबतें झेल रहा था, घर से भी बाहर से भी। मुझे आज भी याद है वो दिन, पैदल जब मैंने वर्किंग को स्टार्ट किया था, पैदल करता था, मेरे पास में बाइक भी नहीं थी, वो बैग टाक करके गर्मियों के दिनों में जब मैं पैदल वर्किंग करता था सुबह से शाम तक, नीचे गर्मियों के दिनों में नीचे जूतों में से आग निकलती थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़ा ड्रीम था, नजर नहीं आता था, सिर्फ एक डायमंड से नजर आती थी कि यार कुछ भी हो जाए, एक मौका है मेरे पास में मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, और बस मुझे वो करके दिखाना है। उसी डायमंड शिप के उसी सपने को लेकर के मैं काम करता रहा लगातार, कभी भी नहीं थका, रात को दिन को काम करता था। और बीच में बहुत लोगों ने समझाया भी, बहुत लोगों ने समझाया, फैमिली वालों ने, रिलेटिव्स ने, जो भी जो बंदा मिला वही समझाया कि कहां जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई कर ले, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सरकारी नौकरी लग जाएगी, प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ कर लेगा, बहुत सलाह देते थे। क्यों? क्योंकि छोटा था, उम्र कम थी, बच्चा था, सब सलाह देते थे लेकिन सहयोग कोई नहीं देता था। और मुझे ये पता चला अपने मेंटर्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, कि जिंदगी में सलाह हर आदमी दे सकता है, हर गली के नुक्कड़ पे, हर दौराए पे, हर चौराहे पे हर आदमी आपको सलाह दे सकता है, लेकिन सहयोग नहीं दे सकता। सहयोग आपको अपने आप का खुद करना पड़ेगा। और बस डिसीजन लिया कि बस करना है, और उसी काम को कंटिन्यू लगातार करता चला गया। और सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस में मैंने सीखा, मैं सेल्फ स्टार्टेड रहा, सेल्फ स्टार्ट एंड मोटिवेट, खुद मोटिवेट रहा इस बिजनेस को करने के लिए, कोई आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, खुद मोटिवेट रहा मैं इस बिजनेस के लिए, और अपने आप को सेल्फ स्टार्ट करता था, अपने आप को रिचार्ज करता था, चाहे वो किसी वीडियो के माध्यम से, चाहे वो किसी ऑडियो के माध्यम से, चाहे किसी ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे अपनी अपलाइन को बात करके, कॉलिंग करके, मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, किताब पढ़ के मैं मोटिवेट करता था, और एक ही बात सोचता था कि यार अगर तू मोटिवेट नहीं रहेगा तो तेरी टीम कैसे मोटिवेट रहेगी, अगर तू मुरझा गया तो तेरी टीम कैसे काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो मैंने खुद को बदलना शुरू किया, मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने अपने आप को बदला, हर मोड़ पे बदला, जहां मौका मिला, जब भी मौका मिला मैंने अपने आप को चेंज किया। मेरी अपलाइन ने जब भी मुझे बताया कि टाइगर तुझे यहां चेंज करने की आवश्यकता है, मैंने वहां चेंज किया। बहुत सारे लोग हैं वो चेंज नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं करते, बाकी की बाहर की दुनिया को चेंज करने का प्रयास करते। और ये मैंने अपने आप को चेंज क्यों किया, मैंने अपने आप में परिवर्तन करने की क्यों ठानी, क्यों? क्योंकि मैंने एक मीटिंग में एक स्टोरी सुनी थी और उस स्टोरी ने मुझे बताया कि आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। दुनिया के नजरिए को आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप के नजरिए को चेंज कर सकते हो। वो स्टोरी, उस स्टोरी ने मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ लाया। और वो स्टोरी थी कि महागुरु जी के माध्यम से मुझे सुनने का मौका मिला था। और वो स्टोरी इस प्रकार थी कि क्या होता है कि एक बार एक राजमहल था, तो वहां के राजा थे, बहुत ही
बहुत ही अच्छे शासन में राजा ने अपना शासनकाल चला रहे थे और अचानक से कोई व्यक्ति आकर के उस राजपाट में राजमहल में आकर के राजा से बोलता है कि महाराज इस राजमहल पे बहुत बड़ा घोर संकट आने वाला है। उन्होंने कहा कि भाई संकट क्यों आने वाला है? उनकी महाराज क्यों, क्योंकि संकट इस वजह से आने वाला है क्योंकि आपके यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसी सारी चीजें हो रही है कि जिनकी वजह से संकट आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका छुटकारा क्या है? तो उन्होंने बोला कि महाराज एक ही प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है कि आप जो भी वस्तुएं देखें या जो भी चीज आप देखें तो वो हरी वस्तु दिखनी चाहिए, यानी कि उसका कलर हरा होना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, अनाउंस करा दिया कि पूरे राजमहल को हरे कलर से पुतवा दिया जाए, हर आदमी को हरे कलर के कपड़े दे दिए जाएं, जो सूखे वृक्ष थे पेड़ थे सबको कटवा डाला, सिर्फ हरे वृक्ष रखे। और इस प्रकार से राजमहल में राजा का शासन चलता रहा। और कोई बाहर से एक व्यक्ति आता है और वो देखता है वहां उसने अलग तरह से कपड़े पहन रखे थे, तो दरबारीगढ़ गए, उन्होंने बोला कि घोर अन्याय हो जाएगा, आप राजमहल से बाहर चले जाइए और ये कौन से वस्त्र पहने हुए आपने, इस राजमहल में सिर्फ हरे कलर के वस्त्र पहन सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है? वन ये राजा का आदेश है। वन ये राजा का आदेश कैसे है? उन्होंने कहा कि इस राजमहल में घोर संकट है और वो संकट एक ही तरीके से कट सकता है। उन्होंने बोला कि सारा कुछ राजा को हरा भरा दिखाई देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करना कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। वो बंदा गया राजा के पास में और राजा से बोला कि महाराज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या विडंबना है, ऐसी क्या बात है कि आप इतने दुखी हैं और आप बोल रहे हैं कि सारा कुछ हरा दिखाई देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसे घोर संकट है। तो उनकी महाराज आपको दुनिया को हरा भरा पुतवाने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं समझा नहीं। उनकी महाराज अगर आपको आपको खुद को ये सब कुछ हरा भरा दिखना चाहिए तो जनता को हरा भरा पुतवाने की जरूरत क्या थी, आपको सिर्फ एक काम करना था। तो राजा ने पूछा क्या करना था? वन महाराज आपको सिर्फ यही तो बताया गया है कि आपको हरा भरा दिखना चाहिए, महाराज आपको दुनिया पुतवाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आपके आंखों के चश्मे को पुतवाने की जरूरत थी, आपको आपके चश्मे आंखों के जो चश्मे हैं उनको हरे कलर का पहनना चाहिए था, बाकी पूरी दुनिया आपको हरी भरी दिखाई देने लग जाती। तो ये स्टोरी ने मुझे मतलब मजबूर कर दिया अपने आप के एटीट्यूड को चेंज करने का। मैंने अपने आप को हर अच्छे नजरिए से देखा, मैंने अपने आप को एक डायमंड के नजरिए से देखा और मैंने हर आदमी में एक डायमंड देखा कि सोचा ये आज नहीं लेकिन कल ये बंदा जरूर डायमंड जाएगा। मैंने हर आदमी में उस अच्छे नजरिए से मैंने अपना नजरिया ठीक किया, बाकी की पूरी दुनिया का नजरिया मेरे नजरिए से देखेंगे तो सब नजरिया ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने आप पे काम किया, सेल्फ स्टार्टेड रहा और मैं मोटिवेट रहा इस बिजनेस को करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में। सक्सेसफुल गुरु मंत्र, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो सबसे बड़ा गुरु मंत्र चार मंत्र है और वो मंत्र कौन से हैं? प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग। ये चार वो गुरु मंत्र हैं जिससे आप डायमंड भी बनेंगे और जिससे आप क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे और जिससे आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। सिर्फ ये चार मंत्र, इन चार मंत्रों की माला जिस लीडर ने जप ली, ये मुझे मेरे महागुरु जी ने बताया कि ये चार मंत्र जप लीजिए आप, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग, और ये चार मंत्र हैं जो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल तक लेके जाएंगे और आपको इस बिजनेस में स्ट्रांग बनाएंगे। ओनली ये चार मंत्र आपको जपने हैं और वही चार मंत्र प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग में करता चला गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में मुझे मेरी अपलाइन ने बताया, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना और वो बात थी नेवर स्टॉप सो दी प्लान, कभी भी प्लान दिखाने से बंद नहीं होना है। ये मुझे मेरे अपलाइन ने सबसे बड़ा मंत्र मुझे बताया। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए एनी हाउ कंडीशन में आपको प्लान दिखाने से नहीं रुकना है। और यहां पे भी मुझे मेरे महागुरु जी के माध्यम से एक स्टोरी सुनने का मौका मिला था और वो स्टोरी क्या थी,
कि एक बार क्या होता है, मुझे महागुरु जी के माध्यम से एक मीटिंग के माध्यम से स्टोरी सुनने का मौका मिला था कि प्लान क्यों बंद नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी ने बताया कि एक बार की बात है, एक चिड़िया एक पेड़ पर रहा करती थी, बहुत ऊंचा पेड़ था और उसमें घोंसला बना करके रहा करती थी और उसके तीन बच्चे हुए। जब उसके तीन बच्चे हुए, बच्चे बड़े होने लगे, तो चिड़िया को लगा कि इन बच्चों को उड़ाना सिखाना चाहिए और इनको अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो चिड़िया ने उन बच्चों से बोला कि बेटा, मैं तुम्हें इस दुनिया का वो खुशी दिखाना चाहती हूँ, ये दुनिया कैसी है इस दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन इस दुनिया में वो उड़ान उड़ाना चाहती हूँ आपको, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब मैं आपको यहां से ऊपर से छोड़ूंगी तो आपको पंख मारने हैं। तो बच्चों ने बोला ठीक है माँ, पंख मारेंगे। तो अगले दिन पहले बच्चे को चिड़िया उठाती है और उससे बोलती है कि बेटा पंख मारना, और चिड़िया ने बच्चे को उड़ करके ऊपर से छोड़ दिया और पहले बच्चे ने पंख मारना शुरू किया, पंख मारता गया और जैसे ही थोड़ी देर पंख मारे तो उसके पंख दुखने लगे और उसने सोचा कि यार माँ कुछ बताना भूल गई है, मुझे तो दर्द हो रहा है, और उसने पंख मारना बंद कर दिया। और जैसे ही पंख मारना बंद किया, वो बच्चा धाम से नीचे आकर के जमीन पर गिर गया और गिर के मर गया। अब ये दृश्य उस चिड़िया ने भी देखा, चिड़िया दुखी हुई, और उन दोनों बच्चों ने भी देखा। दूसरे नंबर के बच्चे का नंबर आया, उसको भी चिड़िया ने लेकर के उड़ाया और उससे बोला कि बेटा देख ले, तेरा एक भाई चला गया है, पंख मारते रहना बेटा, और तू भी इस दुनिया में बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है। दूसरे बच्चे को भी छोड़ा गया, उसने पंख मारे और मारे। अब जैसे उसके पंख दुखने लग गए, उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और देर तक पंख मारना शुरू किया और पंख मारे, लेकिन उसको भी डाउट हुआ। उसने भी सोचा कि लगता है यार माँ कुछ बताना भूल गई है, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है माँ ने बताया नहीं, मेरे मुझे दर्द हो रहा है, माँ कुछ बताना भूल गई है, मैं माँ से पूछता हूं। तो जैसे उसने पंख मारना बंद कर दिया और वो दूसरे नंबर का भी जो बच्चा था वो भी धड़ाम से आकर के जमीन पे गिर गया और जमीन पे गिर करके उसकी भी मौत हो गई। चिड़िया बहुत दुखी थी, बहुत चिंतित थी, और वो तीसरे नंबर का जो बच्चा था वो देख रहा था और उसने डिसाइड किया, अपने मन ही मन डिसाइड किया कि उसने दो अपने भाइयों के डिसीजन देख लिया था, उसके दो भाई ढेर हो गए थे और उसके पास में एक ही ऑप्शन था, सिर्फ एक ऑप्शन था कि या तो पंख मारना या फिर मर जाना, सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो वो पंख मारता रहे और या फिर वो मर जाए। उसका नंबर जब आया, उसकी मां ने बोला कि बेटा तू अपने दोनों भाइयों की हालत देख चुका है और मुझे तेरे से उम्मीद है, तू पंख मारना बंद मत करना। उसने बोला कि मां मुझे पता है, मैं देख पा रहा हूं अपने दोनों भाइयों की हालत, मां तू चिंता मत कर, मैं ऊंची उड़ान उड़ करके दिखाऊंगा। और वो तीसरे बच्चे को जब छोड़ा जाता है, वो पंख मारता है, जब पंख मारता है तो थोड़ी सी उड़ान भरता है, लेकिन उसके पंख दुख जाते हैं, पंख जब दुख जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो बंद कर लेता है, लेकिन जैसे बंद करता है वो नीचे आने लग जाता है, फिर पंख मारना स्टार्ट कर देता है, फिर पंख दुखने लग जाते हैं, फिर पंख मारना स्टार्ट कर देता है, कभी एक पंख मारता है, कभी दोनों पंख मारता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर उड़ान भरता है, और पंख मारता मारता और एक समय ऐसा आता है वो ऐसे शेड में पहुंच जाता है कि पंख मारना भले बंद कर दे, लेकिन एक ऐसे शेड पर पहुंच जाता है वो धड़ल्ले से उस दुनिया की, उस आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता है कि जहां से वो अपने सुनहरे जीवन की शुरुआत करता है और अपने जीवन में जिंदगी जीने के लिए उड़ान भर लेता है। और मुझे ये समझ में आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस में पंख मारना बंद नहीं करना है। और वो पंख थे प्लांट फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग। मैंने इस बिजनेस में कभी भी पंख मारना बंद नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा अपने आप के साथ में पंख मारता रहा, प्लान दिखाता रहा, फॉलोअप करता रहा, चाहे लोग आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने पंख मारना बंद नहीं किया। और दोस्तों, पंख मारना बंद नहीं किया तो मेरे महागुरु जी ने गारंटी ली थी इस बात की कि जो बंदा पंख मारना बंद नहीं करेगा
वो एक समय ऐसा आएगा वो ऊंची उड़ान उड़ करके दिखाएगा, वो अपनी जिंदगी में जिंदगी जी करके दिखाएगा। और आज उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने हमेशा पंख मारता रहा और आज आपके सामने मैं एमरल्ड लेवल क्रॉस कर चुका हूं। आज उस लेवल पे हूं कि आज मैं पंख मार करके आज उस ऊंचाई का आनंद में ले पा रहा हूं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में कभी भी इस बिजनेस में चाहे कुछ भी हो जाए, पंख मारना बंद मत करना। प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग में आने से कभी बंद मत हो जाना। दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक जाए। आप 100% डायमंड बनेंगे इस बिजनेस में, 100% डायमंड बनेंगे। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात, और यहां लिखा भी हुआ है, एक पेन गलती कर सकता है लेकिन एक पेंसिल गलती नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके साथ दोस्त है रबर। जब तक एक सच्चा दोस्त आपके साथ है, वह आपकी जिंदगी की गलतियां मिटाकर आपको अच्छा इंसान बना देगा। इसलिए सच्चे और अच्छे दोस्त हमेशा साथ रखिए। तो कहीं ना कहीं यहां दोस्त का मतलब है एक सच्चे टीम लीडर को और एक सच्ची अपलाइन को आपको साथ में रखना होगा, अपने मेंटर को अपने साथ में रखना होगा। एक मेंटर है जो आपकी गलतियां मिटा करके आपको इस जीवन में एक अच्छा इंसान बना सकता है, आपको इस जीवन में एक अच्छे लेवल पे ले जा करके खड़ा कर सकता है। सिर्फ आपका अपलाइन, सिर्फ आपका मेंटर, वो मेंटर जरूर होना चाहिए जीवन में। नेक्स्ट, और कहीं ना कहीं जब वो मोड आया मेरे जीवन में गुरु बनाने का, लिखा भी हुआ है कि पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। इस जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। ये मुझे पता चला और मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि इस बिजनेस में मुझे भी अपना कोई मेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे भी अपना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। और जिस आदमी का गुरु नहीं है तो ये समझिए वो बंदा गुरूर से जिंदगी जी रहा है। और गुरूर में कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई आदमी सफल नहीं हुआ। हमेशा जिस आदमी ने अपना मेंटर सेलेक्ट किया, अपना गुरु सेलेक्ट किया, वही बंदा आज दुनिया में इतिहास लिख पाया है। और मुझे मौका मिला मेरा मेंटर सेलेक्ट करने का, मुझे मौका मिला मेरा गुरु सेलेक्ट करने का। नेक्स्ट, और बहुत बड़ा क्रेडिट मिला और मैंने अपना मेंटर सेलेक्ट किया। और आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ऐसी शख्सियत को कि जिसने मेरे जीवन में वो खुशियां लाई, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके एक लाइफ जो मेरी थी, एक गुरु होते पेरेंट्स होते जो जन्म दे करके बच्चों को जीवन में खाना बोलना ओढ़ना पहनना सिखाते हैं, एक गुरु होता है एजुकेशन का जो आपको जीवन में एजुकेटेड करता है, और एक गुरु होता है आपकी लाइफ में आपको सफल इंसान बनाने के लिए। और इस बिजनेस में सेफ शॉप में जो गुरु होता है जिसे मेंटर शब्द बोलते हैं, आपकी लाइफ में शख्सियत बनने के लिए, आपकी लाइफ को एनर्जेटिक बनाने के लिए, आपकी लाइफ को रहीस बनाने के लिए, आपको आपको उन बुलंदियों तक पहचान बनाने के लिए, एक इतिहास लिखने के लिए गुरु बहुत ज्यादा जरूर होता है आपकी लाइफ में, जो आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ी तक के लिए इतिहास लिख करके दिखा के जाए कि हाँ कोई बंदा था हमारे जीवन में जिसने कुछ करके दिखाया। और वो सब कुछ एक गुरु की वजह से होता है। और मैं ऐसे मेंटर्स को, ऐसे महागुरु को मैं नमन करना चाहूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, अपना हाथ रखा और मुझे छत्र छाया दी। मेरे महागुरु जी, मैं चाहूंगा अपने महागुरु मेंटर को, महागुरु जी मलिक सर, महागुरु जी ओमी सर, आपको सत सत प्रणाम है गुरुदेव कि आपने इस छोटे से बच्चे के ऊपर कृपा की। गुरुदेव आपने मेरे जीवन को बनाया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ गुरुदेव, हमेशा आपका रेडी रहूंगा और दिल से आभार करता हूँ गुरुदेव। मैं चाहे कितना भी कुछ कर जाऊं, चाहे कितना भी कुछ बन जाऊं गुरुदेव, आपका ये कर्ज, आपका ये गुरुदेव मेरे ऊपर छत्र छाया जो बनाई आपने गुरुदेव, इसका एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकता, मेरा साथ पुस्तक तक नहीं चुका सकते, क्योंकि जो आपने जीवन दिया है गुरुदेव, मैं हमेशा आपका रेडी रहूंगा। और गुरुदेव आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही हाथ गुरुदेव सातों जन्म तक मेरे ऊपर बनाए रखे गुरुदेव, हमेशा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे गुरुदेव। और ये जीवन जो दिया है गुरुदेव, सिर्फ आपका दिया हुआ जीवन है गुरुदेव। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में मेंटर जरूर सेलेक्ट करें,
अपना मेंटर बहुत जरूरी है इस बिजनेस में नहीं, इस दुनिया में आपका गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा बोला जाता है बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता और बिना गुरु के कभी मंजिल नहीं मिल सकती। अगर आपको कहीं ना कहीं ज्ञान चाहिए, मंजिल चाहिए, तो आपका जीवन में गुरु भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस दिन से मैंने अपने मेंटर को सेलेक्ट किया, जिस दिन से मैंने अपने गुरु के हाथों में मैंने अपनी जिंदगी सौंपी, उस दिन से मैंने रियल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। उस दिन से मैंने इस बिजनेस में मैंने समझा कि सेफ शॉप असलियत में है क्या चीज, ये बिजनेस है क्या चीज, ये मेंटरशिप है क्या चीज, ये सिस्टम है क्या चीज, मैंने उस दिन से समझा जब मैं इस बिजनेस में मैंने गुरु सेलेक्ट किया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात जो मुझे देखी, मेरा जो दूसरा जन्म जो हुआ वो गुरु की वजह से हुआ। आई बोर्न टू अगेन इन सेफ शॉप बिजनेस माई मेंटर। मैं इस बिजनेस में मैंने दोबारा से जन्म लिया और वो सिर्फ अपने मेंटर की वजह से, अपने गुरु की वजह से मैंने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि एक लाइफ में सेफ शॉप में जी चुका था। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। और यह लिखा भी हुआ है कि घायल तो यहां पर हर एक परिंदा है, हर एक परिंदा घायल है, लेकिन जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। मेरे गुरुजी ने बोला कि टाइगर तू उठ सकता है, और फिर से उठा। और लिखा भी हुआ है साबित करना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। और मेरे महागुरु जी ने बोला कि टाइगर तुझे साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुझे बेहतर बनने की जरूरत है। सब लोग घायल है इस दुनिया में, हर एक परिंदा घायल है, लेकिन जो उठ सका वही जिंदा है। फिर से एक मोड़ ऐसा आया, इस बिजनेस में जी जान से मैंने काम किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आएगा, जिसको मैंने अपना समझा, जिनको मैंने अपना समझा, एक ऐसे मोड़ पे लाकर के मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने कि आगे कुआं पीछे खाई, पूरा मैदान साफ। लेकिन ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्जी थी, या मेरा डिसीजन था, मेरा जो ड्रीम था उसने मुझे टिकाए रखा, क्योंकि मैंने वादा किया था अपने आप से, कमिटमेंट किया था कि डायमंड बनना है। एक बार साला मरने से पहले इस पे यहां साला डायमंड का पट्टा जरूर पहनना है, मैंने डिसीजन किया था। जब मैं इस बिजनेस में मैंने टोपाज लेवल भी अचीव नहीं किया था, लगभग टोपाज के आसपास में मैं था, तब मेरे जीवन में एक मोड़ आया और स्टार्ट किया। और उस मोड़ पे मेरे जो अप्लाइंट थे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, वो बंदा मुझे छोड़ करके चला गया। मेरे वो लीडर्स जिनको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया इस बिजनेस में, जिन पे जिनके कंधे पे मैं बल रख करके मैं काम करता था, उम्मीद थी मुझे उनसे, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और बीच रास्ते में मुझे छोड़ करके चले गए। वो दिन था बहुत डिस्टर्ब हुआ, ऊपर से गायब, नीचे से गायब, सब कुछ बहुत, मतलब उस समय वो मोड़ आया कि लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया इस जीवन से। मुझे लगा कि यार अब मैं क्या करूं इस बिजनेस में, क्या करूं। लोग बोलने लग गए, लोग घर पे लोगों को नेगेटिव करने लग गए कि अब तू क्या करेगा। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा वो चला गया, वो चला गया, तू अकेला क्या करेगा, तू नौकरी कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, अब बता वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। उस समय पल पल में खबर आती थी, पल पल में आज वो बंदा चला गया, आज ये हो गया, वो हो गया, पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन उस समय बहुत हताश हो गया था मैं कि यार मैंने मेहनत की, हे भगवान तूने ये कौन से दिन दिखाए, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई, मैंने ऐसा क्या किया जीवन में जो आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है, और मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। अगर मैं डायमंड नहीं बना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अगर मैं डायमंड नहीं बना तो मैं क्या जवाब दूंगा उन लोगों को जिनको मैं ठोक करके बोलता था कि साला मैं बन के दिखाऊंगा डायमंड। मैं क्या नजर मिलाऊंगा उन माँ बाप से, क्या नजर मिलाऊंगा अपनी मम्मी से, जिनको बोला था, कमिटमेंट किया था कि तेरा बेटा एक दिन बहुत रईस आदमी बनेगा। वो सब कुछ सपने सब चकनाचूर हो गए थे उस दिन, और सब कुछ खत्म हो गया था। एक एक जैसे कहते ना कि अभी तो सिर मुड़वाया था और ऊपर से ओले पड़ गए हो, तभी तो नेटवर्क बना था और ऊपर से एक ऐसा एक आंधी आई, एक ऐसा तूफान आया
जिसमें सब कुछ खत्म हो गया उस तूफान में, लेकिन मुझे मेरा मेंटर मिला, मुझे मेरा कृष्ण मिला, और उन्होंने मुझे रोल दिया, एक अर्जुन रूपी रोल दिया, और उन्होंने बोला कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। और मुझे मेरे महागुरु जी ने एहसास कराया, और आज का दिन है, और वो दिन है, उस दिन गुरु जी के हाथों में अपनी जिंदगी को समर्पण कर दिया। आज भी याद है मुझे वो एक एक पल, वो मोमेंट, वो तस्वीर आज भी मैं याद करता हूं। जब भी कोई चीज आती है मैं याद करता हूं कि जब मैंने अपने आप को समर्पण किया था गुरु जी को। और समर्पण ऐसे ही नहीं हो जाता है, दिल से समर्पण किया था कि गुरु जी एक जिंदगी मैं जी चुका हूं, अब मुझे इस जीवन में, इस सेफ शॉप में दूसरी जिंदगी जीनी, वो गुरु जी आपकी जिंदगी है, आपके हवाले है, और आज जो जिंदगी जी रहा हूं उसमें मेरा कोई हक नहीं है, मेरे मेंटर का हक है। मैं साला उसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरे मेंटर की फुटबॉल हूं मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरा मेंटर है, जहां वो मारेगा वहां साला गोल करना पड़ेगा मुझे। आज मैं, मेरी जिंदगी मेरी नहीं, मेरे मेंटर की है। और जिस दिन से मैंने अपने मेंटर को सेलेक्ट किया और महागुरु जी ने भरोसा दिलाया कि टाइगर क्या फर्क पड़ता है, और मुझे महागुरु जी माधव सर की एक स्टोरी सुनाई थी कि महागुरु जी माधव सर ने बोला था कि एक तरफ मेरी लाखों की टीम और एक तरफ मेरा मेंटर, अगर मेरा मेंटर मेरे साथ है तो लाखों की टीम भले चली जाए, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे साथ मेरी टीम नहीं थी, मेरा अपलाइन मेरे साथ में था, मेरा गुरु मेरे साथ में था। जब उस गुरु की बदौलत मैं साला इतनी हजार की टीम बना सकता हूं, तो जब वही गुरु मेरे साथ में है तो उससे भी बेहतर, उससे भी दमदार लीडर वाली टीम दोबारा से मैं खड़ी कर सकता हूं। और दोबारा से मैंने इस बिजनेस को पेटी टाइट करके डिसीजन लिया, और गुरु जी ने बोला था कि टाइगर आज वो मौका है तेरे पास में कि भगवान तेरे साथ में अब तेरी जिंदगी को बदलना चाहता है, इस वजह से तेरे साथ में घटना हुई है, तुझे आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने बोला कि जितने भी लोग सफल हुए इस दुनिया में उनके साथ में कोई ना कोई बहुत बड़ी ट्रेजरी हुई है, और तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, इस वजह से भगवान ने तेरे साथ में यह दिक्कत की है। सब मैदान साफ इस वजह से किया है क्योंकि जो भी कांटे थे, जो भी पत्थर थे, वो सब हट गए, ओनली एक तू बचा है, क्योंकि तू जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, तू बहुत बड़ा काम कर सकता है, इस वजह से तुझे बचा के रखा है। और वो बात मुझे लग गई और मैंने सोचा कि मेरा मेंटर मेरे साथ है। माँ गुरु जी ने बोला कि 6 महीने लगेंगे तुझे, 6 महीने मेरी बात मान, और 6 महीने बात मान करके छोड़ के चला जा, तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने भी घर छोड़े हैं उन्होंने इतिहास लिखा है। उन्होंने बोला कि भगवान रामचंद्र जी ने घर छोड़ा, जब वो राजमहल में रहते थे तो सिर्फ भगवान राम थे, लेकिन जब वो वनवास काट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। जितने भी लोगों ने घर छोड़ा है उन्होंने बड़ा इतिहास लिखा है। और उन्होंने बोला गुरु जी ने कि आज तेरे पास में मौका है बहुत बड़ा इतिहास लिखने का, तुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। उस समय फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में, बहुत सारे लोगों के पास में माने होते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं प्लान करने कैसे जाऊं, मैं फॉलोअप करने कैसे जाऊं, मेरे पास में लिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार पहले ज्वाइन करा दिए थे, सब कुछ ज्वाइन करा दिया था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। एक बंदे के पास में जाकर के बैठ गया, स्टार्टिंग मैंने गाजियाबाद से की थी, गाजियाबाद में जाकर के मैं बैठ गया, वहां से टीम निकालना शुरू किया। एक दो लीडर थे उनको बचा के रखा कि कहीं धूप ना लग जाए, कहीं कोई उसको उखाड़ ना दे, कोई खा नहीं जाए, ले नहीं जाए, परवरिश की, बचा के रखा कुछ पेड़ों को और उनको सेट किया, उनकी जिंदगी के लिए काम किया, और डरते डरते काम किया कि कैसे करके मुझे इन लोगों की जिंदगी बनानी है, और पक्के इरादे के साथ में काम किया, डट करके काम किया, पेटी टाइट करके काम किया, बाहर रह करके काम किया। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारे लोग बहाने गिनाते हैं, और मेरे पास में भी बहुत बहाने थे इस बिजनेस को ना करने के। मेरे घर में जेंट्स नहीं रहता था, घर पे कोई, छोटे भाई की जॉब लगी वो भी मुंबई में रहता था, अकेली महिलाएं रहती थी घर में, सबको पता है प्रॉब्लम्स थी, पिताजी की डेथ के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, इतने पंगे थे। मेरी वो नौबत थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल के काम कर सकता था, घर वाले सबको, लेकिन यहां से सुनता था, यहां से निकालता था, और बस एक ही काम किया, सिर्फ अपने मेंटर की बात मानी, और मेंटर की बात मान के काम किया। और आज बताते हो गर्व होता है, फक्र होता है कि आज मैं नाज करता हूं कि मेरे जैसे मेंटर साला पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगे,
आज मैं गर्व करता हूँ कि मुझे ऐसी मेंटरशिप मिली और उसमें काम किया मैंने, और जब से जिंदगी हाथों में दी गुरुजी की, आज जिंदगी बना के खड़ा कर दिया। उस 6 महीने में वो टीम निकल के आई और वहां से मुझे वो लीडर मिले जो मेरे पास में पहले लीडर नहीं थे। उसके बाद में आगरा में टीम निकली तो गुरुजी ने बोला कि टाइगर उठा बोरी बिस्तरा और पहुंच जा आगरा। आगरा में डट करके काम किया और वहां सारा टारगेट पे टारगेट हिट कराए। उसके बाद बरेली में टीम भी निकाली, बहुत सारे लोग निकले। और आज मुझे बता, जो फक्र होता है जो सारा पहले लीडर थे उनसे भी बेहतर बादशाह टीम आज मेरे पास में है। आज दुनिया की सबसे बेहतरीन मेंटरशिप, दुनिया की सबसे बेहतरीन टाइगर टीम आज मेरे पास में है और ये गर्व महसूस करता हूँ। हे भगवान, अगर आपने वो दिन जिंदगी में नहीं लाए होते तो शायद आज इतने बड़े अच्छे लोग, इतने दमदार मेंटर और इतने दमदार टाइगर शायद मेरी टीम में नहीं होते। तो ये परिस्थितियां जो भी आती है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती लाती है और हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे मेंटर्स को जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। थैंक यू। सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। कुछ लोग जो मेरे साथ इस बिजनेस में बने रहे, जो छोड़ के जाना चाहते थे वो चले गए, लेकिन कुछ लोग अगर मेरे साथ बने रहे तो सिर्फ मेरे मजबूत रिलेशन की वजह से, मेरे अच्छे संबंध की वजह से। और लिखा भी हुआ है, अगर आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपनी टीम के बीच अच्छे माहौल को पैदा करना होगा, तभी लोग मन लगाकर काम कर पाएंगे और बेहतर काम हो सकेगा। तो मैंने अच्छा माहौल बनाया अपने उन टाइगर्स के साथ में। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बात, टीम से मां की तरह प्यार करना होगा। मैंने टीम से, अपनी टीम से एक मां की तरह प्यार किया, जैसे मां अपने बच्चे से प्यार करती है, उस तरीके से मैंने प्यार किया। क्यों? क्योंकि कितना भी चाहे वो उसका बेटा उधम करे, कुछ भी करे, कितने भी पंगा करे, लेकिन मां हमेशा मां होती है। मेरे गुरु ने मुझे भी एक बच्चे के रूप में, मेरे मेंटर ने, मेरे गुरु ने भी मां का रोल निभाया और मैंने भी गुरुजी से सीखा मुझे भी मां बनना पड़ेगा इस बिजनेस में। और मैंने मां बन करके अपनी टाइगर टीम को प्यार किया, उनकी परवरिश और देखरेख करनी पड़ी, एक मां की तरह देखरेख करनी पड़ी। और वो कहावत है ना कि वो हमारे गांव देसी भाषा में बोलते हैं कि मां को तो अपना अंधा या काना बेटा भी प्यारा लगता है। तो इस बिजनेस में चाहे कैसा भी टीम लीडर है, आज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कितनी भी शैतानी कर रहा है, कितना भी अपलाइन को परेशान कर रहा है, लेकिन है तो अपना ही। ऐसे ही अपनी टीम को प्यार करना, जैसे माँ अपने, वो कहते ना कि काने बेटे से भी प्यार करती है, ऐसे ही चाहे वो कितना भी नालायक है उससे भी प्यार करना होगा, क्योंकि वो अपना है। और अपना है इसी वजह से प्यार करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल भी होता है कुरकुरे में जो आता है ना कि टेढ़ा है पर मेरा है, चाहे वो साला कितना भी टेढ़ा है लेकिन है तो मेरा। मैंने उस सोच के साथ में काम किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि यार ये बंदा आगे नहीं बढ़े, अरे आज नहीं तो कल बढ़ेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा जब इसे लगेगा जीवन में कि नहीं यार माँ तो माँ होती है, अपलाइन तो अपलाइन होती है, कभी तो उसको एहसास होगा जीवन में कि यार मुझे अपने मेंटर का, अपनी अपलाइन को समझना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, कि जैसे माँ वो एक उम्मीद रखती है अपने बच्चे से कि बेटा कुछ जीवन में करेगा, ऐसी अपलाइन उम्मीद रखता है अपने उस बब्बर शेर से, उस टाइगर से, कि मेरा बेटा, मेरी डाउनलाइन, मेरी टीम मेरा नाम रोशन जरूर करेगी। और उस माँ की तरह मैंने प्यार किया। और मैं आज सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम को, चाहे वो कितनी भी नालायक है, कितनी भी कुछ भी है, एक माँ बन के देखिए, आपको उस नालायक में भी आपको प्यार नजर आएगा, उस नालायक में भी आपको एक अच्छी परवरिश करने का आपको नजरिया दिखेगा। एक माँ बनने का काम कीजिए, अगर आपने माँ बनने का काम कर लिया तो वही बेटा, वही बच्चा, वही टीम का टाइगर एक दिन आपको बहुत बड़ा इतिहास लिख के दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई टाइगर था, किसी किसी माँ की परवरिश थी, कहीं ना कहीं माधव सर भी किसी अपलाइन माँ की परवरिश थी, कहीं ना कहीं जसवीर सर, विजयपाल सर, कहीं ना कहीं
और महागुरु जी नितिन सर, कहीं ना कहीं महागुरु जी ओमी सर, कहीं ना कहीं महागुरु जी राणा सर पॉलिटी सर, कहीं ना कहीं महागुरु जी मलिक सर भी एक माखी परवरिश है, सेठ सब की माखी परवरिश है, जिसे हम अपना गुरु और अपना मेंटर कहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी टीम के लिए माँ बन करके काम कीजिए। तो वो मैंने कोशिश की, और अगर मैं अपनी टीम से अभी भी क्षमा प्रार्थी हूं, अगर मुझे कभी भी अगर मेरी जुबान से कोई बात गलत निकल जाती हो, आक्रोश में आकर के, जोश में आकर के, इतना तो हक है माँ को डांटने का, इतना तो हक है उस माँ को तुम्हारे ऊपर कुछ जताने का कि सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए वो करता हूं। अगर मेरे से कभी गलती होती हो तो मुझे हमेशा अपना एक छोटा भाई समझ करके, जो भी आप समझे, मुझे क्षमा करते रहे। और मेरी अपलाइन कभी भी मुझे अगर गलती से भी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे एक अपना बेटा समझ करके क्षमा करते रहे। और ये बड़ा रोल रहा मेरे साथ में रिलेशनशिप का। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहे। राइट डुप्लीकेशन टू मेंटर, ये मैंने अपनी अपलाइन से सीखा। गुरु हमेशा दिल से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो फोटो जो देख पा रहे, ये वो माँ बेटे हैं एक तरीके से, इस बिजनेस के माँ बेटे। इन्हीं से मैंने सीखा माँ का प्यार क्या होता है, मैंने सीखा कि साला अपलाइन क्या होता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, कितना दर्द होता होगा उस माँ को, उस अपलाइन को, क्या चाहती है वो अपलाइन। कभी सोचा, कभी किसी डाउनलाइन ने सोचा कि अपलाइन आपसे क्या चाहती है? अरे वो मेंटर क्या चाहता है आपसे कि वो फक्र से बोल सके, सीना चौड़ा करके, सीना तान करके बोल सके कि ये मेरा है, ये मेरा, वो बोल सके मैंने अपने गुरुजी से सीखा। जैसे आज महागुरु जी वो भी सर, महागुरु जी मलिक सर को पूरी दुनिया में खड़े होकर के बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बब्बर सर है, मेरा टाइगर है। कभी तो मौका दीजिए अपनी अपलाइन को, ऐसा बनके तो दिखाइए अपलाइन के लिए। दिल से कनेक्ट होना चाहिए, उसमें भारी बनावट नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं सही होती तो टावर नेटवर्क नहीं आते, बात नहीं होती। अगर आपकी कनेक्टिविटी सही नहीं है, थोड़ा सा भी अगर रेंज कम है तो सिग्नल सही नहीं आता। ऐसे इस बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन होता है। अगर आपका अपनी अपलाइन से और डाउनलाइन से सिग्नल सही नहीं है, 100% सिग्नल नहीं है, तो चित्र सही नहीं आएगा आपका, आपकी डायमंड से की प्रिंट सही नहीं आएगी, आपकी सक्सेस लाइफ की इमेज सही नहीं आएगी। दिल से कनेक्ट होना चाहिए अपलाइन। अपलाइन शीशे की तरह होना चाहिए। अपलाइन का संबंध, जब अपलाइन अगर आप में देखे, तो जब देखे तो अपलाइन आपके अंदर दिखनी चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी के सीने में जब फाड़ के देखे तो रामचंद्र जी दिखे, ऐसे जब भी आपकी अपलाइन अगर आपका सीना फाड़ के देखे, या कोई बंदा सीना फाड़ के देखे, तो आपका मेंटर, आपका गुरु आपके सीने में होना चाहिए। और अपनी अपलाइन को लग जाना चाहिए कि यार ये बंदा है, ये चाहता है मुझे दिल से, और गुरु के साथ जोड़ी बनाई। गुरु ने जोड़ी बनाई तो वहां से मैंने सीखा कि इस बिजनेस में जोड़ी बना करके काम किया जा सकता है। जोड़ी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मेंटरशिप की जोड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट, मैंने वो जोड़ी बनाई अपने गुरु के साथ, मैंने कनेक्ट किया अपने आप को अपने गुरु से, और मेरे गुरु ने दिल में बसाया, और गुरु जी को यहां बसा के रखा सारा, यहां कोई निकाल नहीं सकता, और कोई नहीं। वो सॉन्ग सुना था ना, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, तो मेरे मेंटर है मेरे महागुरु जी, क्योंकि आज इन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया मेरी जिंदगी में, वो लाइफ दी इन्होंने जो यहां बसाने के लायक है, यहां। और जिसकी अपलाइन, जिस लीडर की अपलाइन यहां होगी, उस लीडर के अंदर यहां होगी, उस बंदे का झंडा बुलंद होगा, साला झंडा बुलंद होगा, नंबर वन इतिहास लिख करके दिखाएगा। लेकिन अपलाइन को यहां रखना पड़ेगा, अपने मेंटर को यहां रखना पड़ेगा, अपने गुरु को यहां रखना पड़ेगा। और मैंने फिर डिसीजन लिया, मैं के नंबर वन जोड़ी, मैंने अपनी अपलाइन के साथ में अपनी टीम को भी जिगर में रखा, जिगर में, यहां दिल में रखा, और वर्क विद एवरी लीडर, हर लीडर के साथ में जा करके काम किया, जोड़ी बना करके काम किया। चाहे वो डॉक्टर साहब हो, या बिजेंद्र जी हो, और भी लोग हो, बरेली पार्टी हो, राजेश जी हो,
चाहे और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनके साथ में राम सिंह जी हैं, प्रदीप जी हैं, झिरका पार्टी है, पूरी टीम सबके साथ में जोड़ी बनाई, जाकर के काम किया। नेक्स्ट चाहे महेश सर हो, सत्येंद्र जी हो, हर टीम लीडर के साथ में काम किया, बहुत सा हर लीडर के साथ में जाकर के काम किया, चाहे विवेक जी हो, चाहे विजयवीर प्रधान जी हो, बरेली पार्टी हो, सब लोगों के साथ में जाकर के काम किया। आज साला एक आदमी ये नहीं बोल सकता कि सर आपने मेरे साथ में टाइम नहीं दिया हो। इतना जरूर हो सकता है किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया होगा, लेकिन हर टीम को दिल से कनेक्ट किया, हर बंदे के साथ में जाकर के काम किया और कोशिश की हर बंदे को समय देने की और हर बंदे के साथ में जाकर के काम करने की। क्यों? क्योंकि वो अपना है मेरा। और सबसे बड़ी बात, गाइडेंस माई अपलाइन, मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किया। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में काम कर रहा था, एज छोटी थी, बहुत छोटी एज थी, बच्चा था, छोटी एज में मुझे बहुत कुछ नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस की और मेरे पास में बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। मुझे आज भी याद है, ओनली 3 रीजंस टू गेट रिजल्ट्स, 3 कारणों से आपके साथ में रिजल्ट आएगा। मेरे महागुरु जी ने मुझे थोक बजा के बोला था, जब मैं काम कर रहा था तो मेरे साथ में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बहुत प्लान फॉलोअप करता था, ज्वाइनिंग नहीं आती थी और मैं निराश भी नहीं होता था। एक ही बात याद रखता था, आज नहीं तो कल, एक दिन तो लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, एक दिन तो टीम बनेगी, एक दिन तो डायमंड बनूंगा। लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे से पूछा कि टाइगर क्या कर रहे हो? मैं गुरुदेव में तो काम कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने मुझे तब ये 3 कारणों के बारे में बताया। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि टाइगर जो रिजल्ट आते हैं ना, उसके कारण होते हैं। और तेरे साथ में रिजल्ट कैसे आएंगे और क्यों आना चाहिए? ऐसा है क्या तेरे पास में जो रिजल्ट आए? ऐसा क्या है तेरे पास में, तेरे अंदर, जो सामने वाला बंदा तुझे ज्वाइन करे? क्योंकि कोई भी बंदा किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, किसी प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता। जो आदमी प्लान दिखाने जाता है, उस सामने वाले आदमी को ज्वाइन करता है वो बंदा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला बंदा ही उसे सक्सेस कराता है। कंपनी उसे सक्सेस कराने नहीं आती, कंपनी का प्रोडक्ट उसे सक्सेस कराने नहीं आता, उसको सक्सेस कराने जाता है वो लीडर जो उसे प्लान दिखाने जाता है। वही भरोसा दिलाता है उसको कि मैं तुझे डायमंड बनाऊंगा, वही प्लान समझाता है, वही उम्मीद जगाता है उसके अंदर कि तेरे जीवन में कुछ बड़ा होगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा, गुरुजी ने, कि तेरे अंदर ऐसी है क्या चीज जो लोग तुझे ज्वाइन करें? तो मैंने बोला कि गुरुजी क्या होना चाहिए? उन्होंने बोला कि 3 रीजन है। सबसे पहला फेस वैल्यू, या तो आपकी फेस वैल्यू अच्छी हो, जो साला जाओ वही डीडी मिल जाए, या आपकी एज होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो लोगों को लगे कि यार एक ठीक ठाक एज का बंदा है, ये कुछ कह रहा है तो लगना चाहिए उसको, और या नॉलेज। तो मेरे महागुरु जी ने पूछा कि टाइगर तेरे पास में फेस वैल्यू है क्या? मैंने, गुरुदेव नहीं है। उन्होंने बोला एज है क्या? मैंने, गुरुदेव नहीं है। वह नॉलेज है क्या? मैंने, गुरुदेव नहीं है। तो इस वजह से रिजल्ट नहीं है। मेरे महागुरु जी ने बोला कि ये तीनों चीज नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है। तो मैंने बोला, गुरु जी कैसे होगा, मुझे तो डायमंड बनना है। तो महागुरु जी ने बोला कि देख, फेस वैल्यू 2-4 दिन में या 2-4-6 दिन में नहीं बढ़ाई जा सकती, 2-4 साल में नहीं बढ़ाई जा सकती। एज के लिए भी कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो शाम को लगाए और सुबह तक तुम 20-25 साल के बड़े हो जाओ। ये समय लेंगी, लेकिन एक चीज है जिसे बढ़ा सकते हो, वो नॉलेज है। बल इसको आप एक एक मिनट में बढ़ा सकते हो, एक एक घंटे में बढ़ा सकते हो, एक एक दिन में बढ़ा सकते हो और एक एक साल में भी बढ़ा सकते हो। सिर्फ नॉलेज है आपके पास में जिसे आप बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फेस वैल्यू है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी एज है लेकिन एज का बहाना लगा देते कि यार मेरी तो बहुत एज हो गई, अब मैं क्या करूंगा इस दुनिया में। अरे मेरे भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी एज में बहुत बड़ा कारवा करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटी एज में बहुत बड़ा कारवा करके दिखाया। और मुझे मेरी अपलाइन ने बोला कि टाइगर आज इस छोटी एज को हथियार बना लीजिए,
और आप याद कीजिए, इस नॉलेज को बढ़ा करके काम कर सकते हो। एक हथियार है आपके पास में, और यह इतिहास लिख दोगे कि छोटी सी उम्र में, जहां लोकशाला जिस उम्र में जिंदगी को बनाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, उस एज में आप जिंदगी को जी रहे होंगे बना करके। आपके पास वो मौका है, आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, बिजनेस की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, सिस्टम की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने वो नॉलेज बढ़ाने के लिए काम किया। एक ही ऑप्शन था नॉलेज बढ़ाने का। नेक्स्ट, मैंने नॉलेज बढ़ाई इस बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति, और उसने मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया, चेंज किया मेरी लाइफ में। और उस नॉलेज को बढ़ाया, और आफ्टर सिक्स ऑफ आज ये जिंदगी में जी रहा हूँ, 5-star होटल्स, अच्छी लाइफ स्टाइल, चेहरे पे वो खुशियां, वो चमक, सिर्फ इस सेट शॉप की वजह से। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिला तो ये सेट शॉप की वजह से मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में न्यू रिकॉर्ड, वर्ल्ड नंबर वन टीम बनाने के लिए, वर्ल्ड की नंबर वन टीम बनाने के लिए काम करना, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं वो RCT का नतीजा है कि जहां इसमें लिखा भी हुआ है, रेस चाहे जिंदगी की हो या मैदान की, जीतता वही है जो समय पे गियर चेंज करता है। हर समय पे अपने आप को चेंज करना है, हर समय पे अपने आप के गियर को चेंज करना पड़ेगा। जब भी जरूरत पड़े हर समय चेंज करना पड़ेगा, और जो चेंज करता है वही बंदा जीतता है। और मैंने कहीं ना कहीं एक स्टोरी के माध्यम से ये बातें सुनी थी चेंज करने को लेकर के। एक बाज की कहावत थी कि जब बाज लगभग 40 साल की एज पे पहुंचता है, 30-40 साल की उम्र पे, तो उसके पंख बढ़ जाते हैं, उसकी चोंच बढ़ जाती है, उसके पंजे बढ़ जाते हैं, ना तो वो कुछ पकड़ पाता है, शिकार कर पाता है, और ना उड़ पाता है, और ना वो कुछ खा पाता है। वो लाइफ होती है उसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज करने की, एक नई जिंदगी जीने के लिए उसका एक ऐसा मोड़ आता है जीवन में, उसे कुछ चेंज करने के लिए। तो ऐसा ही मेरे पास में समय समय पे मोड़ आए अपने आप को चेंज करने के लिए, और मुझे उस स्टोरी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, और वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। बहुत सारे लोग शायद उस स्टोरी को जानते होंगे, लेकिन मैं बस एक मिनट के लिए उसे शेयर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही धरने से काम कर रहे होते हैं, प्लान फॉलोअप सब कुछ, उनकी चोंच इतनी बढ़ जाती है, उनको पता ही नहीं है कि उसमें धार देने की जरूरत है, उस प्लान में सुधार करने की जरूरत है, उस फॉलोअप में सुधार करने की जरूरत है। जब वो फ्रेशर थे तब भी वही बातें करते थे, और आज वो गोल्ड बन गए तब भी वही बातें कर रहे हैं, आज वो टोपाज बन गए तब भी वही बातें कर रहे हैं। और यही नतीजा होता है कि उनकी चोंच इतनी बढ़ गई है कि वो कुछ खा नहीं पाते, भूखे मर रहे हैं, वो पेट नहीं भर रहा उनका, शिकार नहीं कर पा रहे, पंजे इतने बढ़ गए हैं, ज्वाइन नहीं करा पा रहे लोगों को। क्यों? क्योंकि पकड़ने जाते तो नाखून अड़ जाते हैं, वो खुद में ही अड़ जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे, उड़ान नहीं भर पा रहे, लेवल अचीव नहीं कर पा रहे, आगे लेवल नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं कर पा रहे अपने आप को, अपने आप को बदल नहीं रहे, अपडेट नहीं कर रहे। और जब मुझे वो स्टोरी सुनने को मिली, तब मुझे लगा कि मुझे हर समय पे, हर सिचुएशन पे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और वो स्टोरी थी कि जब वो बाज, जब अपनी बाज की लगभग 70-80 साल की एज होती है, और जब वो 30-40 साल की उम्र पे पहुंचता है, तो उसके पंख पंजे और चोंच उसकी बढ़ जाती है, ना वो शिकार कर पाता है, ना उड़ पाता है, ना खा पाता है, तो उसको एक जीवन में अपना बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि या तो वो भूखा मर जाए या फिर थोड़ा सा पीड़ा सहन करे, वो उड़ करके एकांत में जाकर के किसी चट्टान पर बैठता है और सबसे पहले अपनी चोंच को तोड़ता है। जिन लीडर्स के साथ में रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको अपने प्लान में धार लानी चाहिए, उसको अपने प्लान में चेंज लाना चाहिए, एनर्जेटिक प्लान करना चाहिए, जो साला जहां बैठ जाए तो डिग जाए, जब बैठ जाए एक बार तो उसके भेजे में घुस जाना चाहिए बिजनेस प्लान, कि हाँ यार सामने वाला बंदा बता के घुस गया, हिल जाए वो, रात को नींद नहीं आए उसको। जब आप प्लान करके आए तो अपने आप में चेंज लाओ, वो चोंच में पैनापन लाओ, आप धार धरनी पड़ेगी आपको अपनी चोंच पे।
और जब वो बाज अपनी चोंच को तोड़ता है पटक पटक करके, दर्द होता है उसको, आपको दर्द होगा अपने आप को चेंज करने के लिए, आप में दर्द होगा, क्योंकि जब अपने आप को चेंज किया जाता है तो दर्द होता है। और जब वो चेंज करता है उसके बाद में अपने पंखों और अपने पंजों को, वो नाखून को तोड़ता है, जो उसके नाखून बढ़ जाते हैं उनको चोंच से तोड़ता है, दर्द होता है, लहूलुहान हो जाता है वो, और दिखता है जब चेंज करता है बंदा, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने में, फॉलोअप करने में शर्म लगती है बार बार जाने में। जब वो अपनी आदत को बदलता है, उस पंख पंजों को, वो नाखूनों को तोड़ेगा, ब्लड निकलेगा, दर्द होगा उसे, लेकिन वो बहुत बड़ा शिकारी बनेगा, बहुत बड़ा शिकार करेगा। और जब वो पंखों से, जब वो अपने पंजे और अपनी चोंच से पंखों को नोचता है, तोड़ता है, फिर वो नई पंख आती है, और ये क्या ही बहुत दिनों की प्रोसेस होती है, और नई चोंच, नए पंख और नए पंजों के साथ में फिर वो अगली 30 से 40 साल की जिंदगी जीता है, और वही उड़ान भरता है, और वही डायमंड शिप पे जाता है, वही बंदा क्राउन एम्बेसडर बनता है, वही रईस वाली जिंदगी जीता है, और वही बंदा एक नए रिकॉर्ड बनाता है, और वही मेरी जिंदगी में हुआ, वही मैंने भी डिसीजन लिया, और वही मैंने करना शुरू किया, मैंने चेंज किया, हर मोड पे अपने आप को चेंज किया, अपने आप में परिवर्तन किया, हर सिचुएशन पे परिवर्तन किया, और दैट्स वाई उसका नतीजा ये निकला कि रेस चाहे जिंदगी की हो या मैदान की, चाहे वो सेफ शॉप की क्यों ना हो, जीतता वही है जो समय पे गियर चेंज करता है। और गियर सिर्फ बिजनेस में नहीं, गियर आपको अपनी रिजल्ट्स में भी चेंज करना पड़ेगा। अभी टारगेट भी चल रहा है, क्योंकि टारगेट में गियर चेंज करना पड़ता है, रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, न्यू रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। और ये आरसीटी टीम, ये मैंने लिखा भी है, वर्ल्ड नंबर वन टीम आरसीटी टीम, ये वर्ल्ड में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी, इतिहास लिख करके दिखाएगी, ये मेरा पक्का भरोसा है, ये मेरा वादा है, और ये मैं कमिटमेंट करता हूं कि महागुरु जी, ये आपका बब्बर शेर, आपकी ये टाइगर टीम इस दुनिया में उसी बाज की तरह, साला जब लंबी चोंच हो जाएगी तो चोंच को तोड़ करके नई चोंच लाएंगे, और नए तरीके से काम करेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाएंगे, कुछ भी करना पड़े इस दुनिया में आरसीटी टीम का झंडा नंबर वन करके दिखाएंगे, नंबर वन झंडा करके दिखाएंगे, और अपनी टीम को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन का, चैंपियंस नंबर वन का खिताब लेकर के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और थैंक यू टू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इस मीटिंग के दरमियान में मेरे से कोई बात अगर गलत लगी हो, मेरी कोई बात छुपी हो, या मुझे नहीं पता क्या अच्छा था क्या गलत था, लेकिन जो बुरा हो गलत हो उसे मेरे लिए छोड़ दीजिए, उसे क्षमा करें, और जो अच्छा हो, मुझे जो लगा, मुझे जो छोटा सा लगा, जो बातें मुझे शेयर करनी चाहिए थी, जो मुझे अपने जीवन में जो लगा कि उनका मेरे जीवन बहुत बड़ा क्रेडिट था, मैंने वो आपके सामने रखी, क्योंकि बाकी की बहुत सारी चीजें सिस्टम की तो मैं लीडरों से ही सीख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने मीटिंग में बताई दिया है। और महागुरु जी बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और गुरु जी बहुत जल्द ये बब्बर से इस 2022 में आपको 22 गुना काम करके दिखाएगा, डायमंडों की बाढ़ आ जाएगी, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आरसीटी टीम नंबर वन थी, नंबर वन है, और नंबर वन रहेगी। इसके लिए मुझे चाहे जी जान से काम करना पड़े, मैं करके दिखाऊंगा। गुरु जी आपका ये बब्बर शेर हमेशा आपका फक्र रहेगा, आपका सीना हमेशा गर्व से ऊंचा करके दिखाएगा, ये गुरुदेव मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु जी की, जय हो, जय हो सर, जय हो। मेरी तो आवाज ही जाम कर दिया आपने। कहाँ है ओमी सर? थैंक यू, बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ग्रेट। गुरुदेव कुछ कहेंगे? मैं बहुत बढ़िया, शानदार जगवीर जी, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग आपने दी है, और नो डाउटली आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आपने अपना स्वयं का भी एक बहुत अच्छा सब कुछ जीरो होने के बावजूद भी नेटवर्क को वापस से रीगेन किया, अपलाइन की सपोर्ट में गए, और कभी भी अपने आगे हार नहीं मानी, जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है,
और जैसा आप चाहते हैं वैसा चश्मा पहनने वाली बहुत अच्छी आपने कहानी बताई राजा वाली, उसके अलावा प्लान फॉलो का भी बंद नहीं करने, ये बहुत शानदार पॉइंट आपने दिया। और एक बड़ा अच्छा आपने शेर मारा कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो उड़ना तो फिर भी पड़ेगा भाई कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो, आफतें कितनी भी क्यों ना हो। तो बिल्कुल आपने वो वाली जो कहावत है सिद्ध की है कि हर हाल में किसी भी काल में कुछ भी करके डायमंड जाना ही है। और बहुत बहुत बधाइयां हो जगवीर जी के लिए। मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर्स से कि जगवीर सर को इतनी बेहतरीन इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए सारे लोग अनम्यूट करके एक बार जोरदार क्लैप करें। थैंक यू।